तो एक दिन थी जब वो कौरवों से खिल गई थी। भगवान आंख बंद करके भगवान की याद उसने की। अगर अभी नहीं बचाओगे तो फिर कोई मतलब नहीं रहा। ये मेरी इज्जत का सवाल है। आपने देखा होगा कि कृष्ण वहीं के वहीं पहुंच गए। महाभारत का एक छंद है जिसमें जब कौरवों के द्वारा द्रौपदी का चीर हरण किया जा रहा था तो उसमें भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी के रक्षक बने और वहां पर आकर उनकी लाज बचाई। आप सोच रहे होंगे कि द्वापर युग में घटित हुई महाभारत की चर्चा हम यहाँ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये चर्चा उस राजनेता के मुंह से हुई है जो राजनीति में पिछले कई दशकों से अपनी धाक जमाए बैठे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वसुंधरा राजे की। राजस्थान में जब भी दिग्गज नेताओं का नाम आता है तो वसुंधरा राजे उन दिग्गज नेताओं में शामिल है। जहाँ से वो खड़ी होती हैं तो लाइन वहीं से शुरू होती है। वो अपने आप में पूरी एक राजनीति को समेटे हुए हैं। लेकिन पिछले कुछ महीनों से ऐसा क्या हुआ है कि वसुंधरा राजे को लगातार उपेक्षा का शिकार करना पड़ रहा है? बीजेपी की मुख्य धारा की राजनीति में वसुंधरा राजे की अवहेलना की जा रही है। वसुंधरा राजे से जुड़े हुए हर राजनेता को शिकार और टारगेट बनाया जा रहा है। अगर बात की जाए केंद्र की, तो केंद्र में जहां वसुंधरा राजे के रिश्ते लगातार कमजोर पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं राजस्थान की राजनीति में पैर जमाए हुए बीजेपी के बड़े नेता भी अब वसुंधरा राजे की उपेक्षा करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान दौरा 25 सितंबर को होना है और 23 सितंबर को वसुंधरा राजे ने जयपुर स्थित आवास पर अपना दम दिखाया। बड़ी संख्या में महिलाएं आई हुई थी, नाच गाना हो रहा था, आलर सत्कार हो रहा था, वसुंधरा राजे की जय जय हो रही थी। वसुंधरा राजे जब इन महिलाओं को संबोधित कर रही थी तो इस संबोधन के दौरान वसुंधरा राजे ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। मैं एक चीज और आपको कहना चाहूंगा, एक कहानी है। कहानी क्या? महाभारत की। आपको सबको मालूम है कि जब कृष्ण जी ने वो सुदर्शन चक्र अपनी उंगली पे उठाया था तो उंगली कट गई थी, याद है? तब खून बहने लगा, तो उस खून को रोकने के लिए द्रौपदी ने अपनी साड़ी को चीर करके और उसको बांधने का काम किया कि खून रुक जाए। तो खून रुक गया। उन्होंने उनको वर दिया, उन्होंने उसको यही कहा, अरे भाई प्लीज, आप लोग प्लीज, उन्होंने ये कहा, मैं वर देता हूं तुमको कि जब भी तुमको मेरी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी तुम मेरी याद करना और मैं तुम्हारे बीच में आ जाऊंगा। तो उसको कोई जरूरत पड़ी नहीं, परंतु एक दिन जब वो कौरवों से घिर गई थी और जब वो उसके साथ बदसलूकी करने लगे थे, ऐसे समय में उनके बीच में घिर के भगवान आंख बंद करके भगवान की याद उसने की और उसने कहा कि हे कृष्ण, अब ये है समय, अगर अभी नहीं बचाओगे तो फिर कोई मतलब नहीं रहा, ये मेरी इज्जत का सवाल है। उसने आंख बंद किया, सब लोग हंसे, सब ने कहा रे मजाक की बात है, कहाँ आएगा कृष्ण, तुम्हारी बात सुन के थोड़ी उतरने वाला है, यहाँ मजाक करे। परंतु उसकी सच्ची भक्ति थी, उस सच्ची भक्ति की वजह से आपने देखा होगा कि कृष्ण वहीं के वहीं पहुंच गए। आपने सुना कि वसुंधरा राजे ने महिलाओं को संबोधित करते हुए महाभारत का एक छंद उन्हें सुनाया है, जिसमें वसुंधरा राजे ने बताया कि जब भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र को अपनी उंगली पर धारण कर रहे थे तो उस दौरान भगवान श्री कृष्ण की उंगली कट गई थी और द्रौपदी ने अपने साड़ी का पल्लू फाड़ते हुए भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर बांधा था। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उनसे एक वचन लेने की बात कही थी, तब द्रौपदी ने एक वचन लिया था कि जिस दिन भी मैं संकट में रहूंगी आप मुझे बचाने आना। उसके बाद महाभारत की घटना सभी को पता है और ये जो छंद है ये हर इंसान के मन में छाया हुआ है, जबान पर रटा हुआ है। जब 5 पांडव थे, कौरवों से हार गए थे जुए में, तो उन्होंने द्रौपदी को दाव पर लगा दिया था और उसके बाद द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। चीरहरण होते समय द्रौपदी ने अपनी आंखें बंद की थी और भगवान श्री कृष्ण को याद करते हुए कहा था कि ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा संकट है, अगर आप
आपने मेरी रक्षा नहीं की तो आगे कभी भी ऐसा मौका नहीं आएगा कि आपको मेरी रक्षा करने का कोई मौका मिल सके। तब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे और उन्होंने द्रौपदी की लाज बचाई। अब वसुंधरा राजे ने ये शब्द क्यों कहे? क्यों वर्तमान की राजनीति जो चल रही है उससे जोड़ते हुए इस छंद को याद किया है? पिछले कुछ महीनों की अगर बात करें तो बीजेपी के जितने भी बड़े कार्यक्रम हुए हैं इसमें वसुंधरा राजे की अनदेखी की गई। वसुंधरा राजे लगातार अपने क्षेत्रों में दौरे कर रही है, जनता से मिल रही है और वापस से बीजेपी के सत्ता में आने का वादा भी कर रही है, लेकिन बीजेपी के बड़े नेताओं द्वारा लगातार जो उनकी उपेक्षा और अवहेलना की जा रही है इसने वसुंधरा राजे को कहीं ना कहीं आहत किया है। जब महिलाओं को वसुंधरा राजे संबोधित कर रही थी उस दौरान भी वसुंधरा ने एक बात कही कि मैं राजस्थान में ही रहूंगी और राजस्थान में रहकर राजस्थान के लोगों की सेवा करूंगी। ये बात बहुत बड़ी है क्योंकि लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वसुंधरा राजे का राजनीतिक करियर अब खत्म हो चुका है। जो उनके विरोधी हैं वो लगातार ये बात कह रहे हैं, लेकिन वसुंधरा राजे ने चुनावों के नज़दीक आने के साथ ही एक बार फिर से अपनी आवाज़ को बुलंद किया है। साथ ही ये भी कहा है कि वो राजस्थान की राजनीति में सक्रिय भी रहेंगी। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि वसुंधरा राजे के तारणहार भगवान श्री कृष्ण कौन होंगे? ऐसा कौन सा इंसान है जिसकी कलाई पर वसुंधरा ने रक्षा सूत्र बांधा था और उस रक्षा सूत्र की लाज बचाने के लिए आगामी विधानसभा चुनावों में कौन वसुंधरा राजे का तारणहार बनेगा? ये सवाल इस समय राजस्थान की जनता के हर मन में कौंध रहा है। इसके साथ ही वसुंधरा राजे ने एक बड़ा मैसेज भी ये दे दिया है कि द्रौपदी जाहि कितने भी संकट में हो लेकिन उनकी लाज बचाने वाला कोई ना कोई आएगा। राजनीतिक पंडित अब इसको विधानसभा चुनाव 2023 से जोड़कर देख रहे हैं, तो वहीं उनके विरोधी हैं उनके भी अब रोंगटे खड़े हो गए हैं क्योंकि वसुंधरा राजे ने सीधे सीधे महिलाओं को संबोधित करते हुए ना सिर्फ विपक्ष को ललकारा है साथ ही पार्टी में बैठे हुए उनके विरोधियों को भी चेतावनी दे दी है कि वसुंधरा राजे का दौर खत्म नहीं हुआ है। उनके जो तारणहार हैं भगवान श्री कृष्ण वो आएंगे और उसके बाद जो वसुंधरा का जलवा है वह राजस्थान ही नहीं पूरा देश एक बार फिर से देखेगा। आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज़, मैं हूं ललित वर्मा।